वेलकम बैक दोस्तों, आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के होने के साथ हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी ऐसी भयावह युद्ध का सामना ना करना पड़े। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। इस हिस्ट्री देखते हैं इसको। प्रथम विश्वयुद्ध यानी प्रथम विश्वयुद्ध जब हुआ था, काफ़ी भयावह हुआ था। आप सब जानते ही हैं अच्छे से क्या घटना हुई थी उस समय। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन हुआ, पर यह संघ काफ़ी हद तक प्रभावहीन था। उसकी जगह संयुक्त राष्ट्र का होने का यह फायदा है कि वह शांति संभालने के लिए अपने सदस्य देशों की सेनाओं को तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उभरे थे। 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई और यहाँ 40 देश उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधान पर हस्ताक्षर किया। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं था, पर उसके हस्ताक्षर के लिए खास जगह रखी गई थी और बाद में पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिया। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र की अस्तित्व हुई। मतलब सुरक्षा परिषद के पांच अस्थाई सदस्यों ने जब हस्ताक्षर किया तब संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। और वो 5 सदस्य देश पता होगा ही आप लोगों को, 5 सदस्य देश है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। अब बात किया जाए मुख्यालय की, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहैटन टापू में स्थित है। अब सदस्यता की बात किया जाए तो 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य थे और 192 और सदस्य देश है मॉन्टेनीग्रो, जो कि 28 जून 2006 को ऐड हुआ था, और लास्ट जो 193 सदस्य देश है दक्षिणी सूडान 2011 में ऐड हुआ था। अब भाषाएं की बात किया जाए, संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रकार की भाषा है जो स्वीकृत है, मान्य है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं का संचालन भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। स्थापना के समय केवल 4 राजभाषाएं स्वीकृत की गई थी, चीनी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी और रूसी। और 1973 में ऐड हुआ था 2 भाषा, जो कि था अरबी थी और एक और थी, क्या कहते हैं उसे, अरबी थी और स्पेनी थी, जो कि 1973 में ऐड किया गया था। भारत काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए,
काफ़ी समय से कोशिश चल रहा है और आज के समय में भी कोशिश हो रहा है कि कैसे भी हिंदी को इंटरनेशनल दर्जा प्राप्त हो जाए, हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज प्राप्त हो जाए। तो हिंदी को इंटरनेशनल भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए फरवरी 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया था। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में वक्तव्य दिए हैं, जिसमें से 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में भाषण, सितंबर 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था, और अक्टूबर 2015 में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज द्वारा 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा संबोधन किया गया था। और अब आते हैं कुछ फैक्ट्स हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, उसे जान लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 17 अलग अलग संस्थाएं हैं, और 17 अलग अलग संस्थाएं आप लोग गूगल करिएगा, और वैसे करोगे आप लोग तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर यहाँ मैं बताऊँगा तो हो सकता है आप लोग देख के फिर इग्नोर कर दें, लेकिन उस समय जब सर्च करो गूगल पे तो 17 का लिस्ट निकल के आएगा और आप लोगों को वो याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। प्रथम बैठक 10 फरवरी 1946 को इंग्लैंड में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला निलंबन 1974 में दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद नीति के कारण किया गया था, जिसे 1993 में वापस लिया गया। रंग भेद नीति जो कि काफ़ी प्रचलित था उस समय 1974 में, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर दिया गया था, और फिर 1993 में उसे ऐड कर लीजिए भी ये ख़त्म हो गया दक्षिण अफ्रीका में ये प्रॉब्लम। यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिवेगली, जिनका कार्यकाल 1946 से 1953 तक था, और वे नॉर्वे के सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी है ABCFR, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र नाम यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सजेस्ट किया था। थैंक यू।